एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कलरफुल सा मेकअप जो कि हम मेहंदी ओकेजन या बारात के इवेंट पे कर सकते हैं, और इवन कि हम ब्राइडल को भी अपनी मेहंदी पे ऐसा कलरफुल सा मेकअप जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एज़ यू नो कि मैं अपनी आईज़ को प्रेप कर लूँगी। आईब्रोज़ को मैंने पहले से ही फिलअप कर लिया था ग्लैम गर्ल बाय महविश की आईब्रो किट के साथ। कर सकते हैं आप, या आपके पास कोई भी पोमेड है आप उसकी मदद से आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कंसीलर ले लिया, या फिर आप कोई भी स्टिक या फाउंडेशन जो भी आपको, या आई बेस आप ले सकते हैं, वो आप लगा के अपनी आईज़ को सेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप अपने कोई भी लूज पाउडर अप्लाई कर दीजिए ताकि आपकी आईज़ जो हैं वो सेट हो जाएं। देन उसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और अपनी आईज़ पे कलर लगाऊंगी, अपनी क्रीज पे लाइट पीची कलर, सॉफ्ट पीची कलर लगाऊंगी, और उसको मैं लगाऊंगी एज अ ट्रांजिशन शेड अपनी आईलिड पर, और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसको अप्लाई करेंगे। देन मैं रेड कलर का मिस रोज़ के पैलेट का जो मैंने आपको शो करवाया, उसी पैलेट का मैं रेड कलर लूँगी, और उसको मैं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अप्लाई करूँगी। देन उसके बाद मैं इसको बिग ब्लेंडिंग ब्रश जो है ब्यूटीफाई बाय आमना का, उसकी मदद से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं आए और जो मेरा कलर है वो अच्छे से मर्ज हो जाए। उसके बाद मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी विद द हेल्प ऑफ हाईलाइटर, या कोई भी आप हाईलाइटर शेड ले सकते हैं, उसकी मदद से आप अपने ब्रो बोन को हाईलाइट कीजिए और अच्छे से इसको भी ब्लेंड कर दीजिए। और उसके बाद मैं कंसीलर लूँगी और सेंटर स्टार्टिंग लिड से, यानी कॉर्नर से सेंटर लिड तक मैं अपनी क्रीज़ को कट करूँगी, ठीक है। क्रीज़ को कट करके और उसके बाद मैं कोई भी सेटिंग पाउडर या सेटिंग जो शेडो है सिंपल वाइट या स्किन, आप वो अप्लाई करके अपनी क्रीज़ को सेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया अपनी क्रीज़ को ताकि जब हम इस पर शेडो लगाएं तो मेरी जो कलर है वो इस पर बिल्कुल ग्रीसी ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने डार्क रेड येलो जो कलर है वो अप्लाई कर लिया ग्रैमरस फेस के पैलेट का, और इसको अप्लाई कर लूँगी मैं येलो कलर को क्रीज़ जो कट की है उसके ऊपर। और क्रीज़ को कट करने से जो हमारे कलर्स आते हैं वो बहुत इन्हेंस होकर, प्रोमिनेंट होकर सामने आते हैं, इसलिए हम क्रीज़ को कट कर लेंगे। आप एज इट इज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने क्रीज़ को कट किया था। देन मैं एक मेटालिक सा शेड लूँगी मिस रोज़ के पैलेट का, सिल्वरी गोल्डी शेड है ये, और इसको अप्लाई कर लूँगी सेंटर। देन दोबारा से मैं वही रेड कलर लूँगी और अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी, और इसको भी ब्लेंड कर दूँगी उसी कलर के साथ ताकि जो मेरा मेटालिक शेड है वो बिल्कुल अलग से नहीं लगे, और इसको मैं अप्लाई कर दूँगी और उसके बाद इसकी ब्लेंडिंग कर दूँगी। इसके बाद मैं एक स्मॉल छोटू सा ब्रश लूँगी और उसकी हेल्प से मैं अपने पैलेट का, किसी भी पैलेट का आप ले सकते हैं, मैंने ग्लैमरस फेस के पैलेट का लिया पर्पल शेड, मैट पर्पल शेड, और उसको मैं अप्लाई कर दूंगी अपनी अंडर आई एरिया पर बिल्कुल साथ साथ वाटर लाइन के बिल्कुल नीचे हम इसको अप्लाई करेंगे। और उसके बाद मैं ग्लैम गर्ल बाय महविश का लाइनर ले लूँगी, आइकॉनिक लाइनर ब्लैक, और उसको अप्लाई करके मैं विंग क्रिएट कर लूँगी सबसे पहले, देन उसको मैं अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने आईलैशेस अप्लाई कर ली अपनी आईज़ पे, एंड देन मैंने वाइट पेंसिल जो है वो अप्लाई कर ली, और
कॉर्नर्स पे मैंने हाईलाइटर अप्लाई कर लिया. सो गाइस हेयर इज़ माय फाइनल लुक. और इसको मज़ीद आप फैंसी बनाने के लिए मेकअप को मैंने छोटे छोटे से पर्ल्स जो हैं वो अपनी आईज़ के ऊपर और साइड पर एक लगा लिया ताकि जो लुक है मेरी वो अच्छी लगे. सो गाइस होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. Thanks for watching. Till then, take care and Allah Hafiz.